वर्ल्ड कप पर आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज, विश्व विजेता और आज मुकाबला है पाकिस्तान का नेदरलैंड्स की टीम के खिलाफ। नेदरलैंड्स ने इस मुकाबले में टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी कि बाबर की सेना आपको पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। चर्चा यहां पर पूरे वर्ल्ड कप को लेकर हो रही है और अब हम बात कर लेते हैं अपने दोनों खास मेहमान से भी, कपिल पाजी और अतुल वासन दोनों हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं। पाजी, सबसे पहले इस वक्त बात कर लेते हैं इस मुकाबले की जो हो रहा है। कल हमने देखा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में और आप दोनों का ओपिनियन ये था कि इंग्लैंड भारत के लिए भी बड़ा खतरा है, बड़ी टीम है इस मुकाबले में, इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्हें झटका मिल गया। पाकिस्तान को भी आज केयरफुल रहना होगा। देखिए, हर एक टीम को और छोटी टीम से ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर आप छोटी टीम से कहीं हार जाते हैं तो आप टॉप फोर में नहीं आएंगे। तो ये पांच जो टॉप की टीमें हैं छह, इनको ये देखना है कि अपने सारे मैच जो हैं, जो छोटी टीम में, छोटी तो कोई नहीं कहूँगा फिर भी, जिम्बाब्वे हो गई, अफगानिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, अगर इनसे भी हार जाती है पाकिस्तान या कोई भी बड़ी टीम तो फिर टूर्नामेंट और एक्साइटमेंट में चला जाएगा। जी, और अतुल आप क्या कहेंगे? वैसे भी लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो बड़ा प्रेशर रखते हैं अपनी टीम पर, वो प्रेशर कहीं उनकी साइकी पर हावी ना हो जाए। नेदरलैंड्स की टीम, जैसे पाजी कह रहे हैं, कोई भी हल्की टीम नहीं है, आप हर मैच को बहुत सीरियसली लेना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्लेयर है वो पुराने बड़े जो खेले पूर्व प्लेयर्स हैं उनका कोई प्रेशर लेते हैं, उनको अपना प्रेशर है, उनकी अपनी रेपुटेशन का प्रेशर है। पर एक बात सही है, और अगर नेदरलैंड ने पहले गेंदबाजी की है, उनको पता है कि बाद में जब पाकिस्तान की टीम जो है उनकी गेंदबाज बहुत फिट है, तो शायद वो प्रेशर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि अगर हम चेज करें तो क्या पता वो उनकी जो बॉलिंग अटैक है, फेम्ड बॉलिंग अटैक, अब नसीम शाह नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक एंगल उनका थोड़ा वीक हो जाएगा, स्पिन एंगल हमने वैसे ही कहा है वीक है, तो शायद उसको एनकैश करें, तो मुझे अच्छा लगेगा कि करीबी मैच हो। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हारा, किसी ने उम्मीद, माफ कीजिए, इंग्लैंड हारा है, छक्के छुड़ा दिए न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को रेट नहीं कर रहे और नौ विकेट से जीत गए। ऐसा वन साइडेड मैच, ऐसा स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप का, तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तान को बच के खेलना होगा। और बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरी भी है, क्योंकि नेदरलैंड्स की ये वो टीम है जिसने लगातार क्वालिफायर्स में काफ़ी अच्छा किया है, वेस्टइंडीज जैसी टीमों को हराया है, और सबसे बड़ी बात कि पिछले एक महीने से नेदरलैंड्स की टीम इंडिया में है, कंडीशंस को जानती है, कर्नाटका जैसे एक सॉलिड डोमेस्टिक टीम के साथ वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं, इसमें कई सारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, तीन इंडियन क्रिकेटर्स हैं। तो पाजी, ये कंडीशंस को जानना क्या एक बहुत एक्स्ट्रा फैक्टर होगा यहाँ पर नेदरलैंड्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बस आई और आके मैच खेला और वो दोनों ही मैचेस वो हार गई। देखिए, पाकिस्तान फिर भी इन कंडीशन को बेहतर जानता है, नीदरलैंड पर पैरों को कुछ आइडिया नहीं है यहाँ की पिच का, वेदर का, और किस तरह बिहेव करती हैं पिचेस, तो इसलिए शायद उन्होंने जो एक महीना यहाँ पर लगाया वो बहुत ही उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका, इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन कोई ज़्यादा इन तीनों कंट्री में ज़्यादा तब्दीली नहीं है, वेदर एक जैसा है, पिचेस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो नीदरलैंड को जैसे अतुल कह रहे थे कि जीतना कठिन होगा, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसका कल आपको उदाहरण मिल भी गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में। हालांकि वो दोनों टीमें इक्वली मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन इंग्लैंड का सब कह रहे थे थोड़ा सा एज है, न्यूजीलैंड ने बता दिया कि ये वर्ल्ड कप है और जो उस दिन चमकेगा वही उस दिन का मैच जीतकर आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया इस खास कवरेज में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।